हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शोभिता एस्थेटिक। आज हमारे सामने एक पेशेंट है जिन्होंने ग्रेड फोर था, जिनका गायनेकोमेस्टिया, जिन्होंने हमारे यहाँ से सर्जरी कराई थी। सर कितने टाइम हुआ आपकी सर्जरी को? 15 दिन के आसपास हो गए। 15 दिन बाद आप रिजल्ट देख सकते हो। इनकी चेस्ट एकदम फ्लैट आई है सर। अभी ये पेशेंट अपना कुछ एक्सपीरियंस बताएंगे कि सर्जरी में पेन वगैरह होता ही नहीं होता, सर आप बताइए। नहीं, सर्जरी में पेन तो कुछ नहीं होता है, वो सेडेटिव्स और लोकल एनेस्थीशिया देते हैं। पता भी नहीं चलता है कब हो गया, कैसा हो गया। आधे घंटे के आसपास की सर्जरी होती है, बस अच्छे से केयर करोगे। जैसे मैं 15 दिन में किया तो ग्रेड फोर भी ठीक हो गया, एकदम नॉर्मल है। नॉर्मल भी हो गया। और सर मतलब गायनेकोमेस्टिया सर्जरी कराने से पहले आपका मतलब क्या एक्सपीरियंस था? बड़े बड़े मैन बूब्स से मतलब क्या फील होता था आपको? काफ़ी मैन बूब्स थे, हल्का सा पेन था और लुक्स में भी थोड़ा सा, टी शर्ट वगैरह पहनने में थोड़ा सा वो शाइनेस आती थी। अच्छा, तो अब काफ़ी बेटर है। अब आप देख सकते हो इनका एकदम फ्लैट रिजल्ट आया है, कुछ भी नहीं है। जो थोड़ी बहुत स्वेलिंग है वो धीरे धीरे चल जाएगी, मतलब कि अभी तो 15 ही दिन हुए हैं सर्जरी को। ना कोई चेस्ट वगैरह, कोई खाल कुछ नहीं लटक रही है, थोड़ी बहुत भी है सारी। एक कंप्रेशन गारमेंट पहनेंगे तो उससे नॉर्मलाइज हो जाएगा। आप देख सकते हो इनका ग्रेड फोर था गायनेकोमेस्टिया, ग्रेड फोर में भी इतना बड़े रिजल्ट आया। अगर कोई भी पेशेंट है जिनके ग्रेड थ्री है, ग्रेड फोर है, उससे भी ज़्यादा है, तो आप गायनेकोमेस्टिया सर्जरी करा सकते हो। इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। ये भाई भी हमारे साथ हैं। और सर आप हमारे और पेशेंटों के लिए कुछ बताना चाहते हो जिनको सर्जरी वगैरह करानी हो? हाँ नहीं, मतलब मैं कह रहा हूँ अगर गायनेकोमेस्ट्री अगर प्रॉब्लम है आपके लिए तो आप यहाँ पे शोभित एस्थेटिक्स में ज़रूर आइए। मतलब मेरे को तो काफ़ी आराम मिला है। Yeah.